हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ खेडजी टुडे वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत बार इलेक्ट्रोड सुना है क्या अच्छा इलेक्ट्रोड नहीं सुना है तो आपने सुना होगा एनोड, आपने सुना होगा कैथोड ये सुना है ना सबने? तो एनोड और कैथोड को कॉमनली इलेक्ट्रोड बोलते हैं लेकिन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है एनोड कैथोड का एक्चुअल मतलब क्या होता है आज इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग ठीक है चलिए इलेक्ट्रोड का मतलब होता है एक मेटल का रॉड ये एक मेटल का रॉड है और ये रॉड एक कंटेनर के अंदर मेटल आयन के कांटेक्ट में है जैसे मान लो अगर यह सिल्वर का रॉड है और यहां पर एक्वा सोल्यूशन है किसका सिल्वर आयन का एजी प्लस का तो भाई ए जी प्लस कैसे लोगे तुम पानी के अंदर अकेला एजी प्लस तो मिलता नहीं है कोई भी किटायन या फिर कोई भी एनायन अकेला नहीं मिलता है कहीं पर भी तो वो हमेशा पेयर्स में आते हैं सॉल्ट के फॉर्म में तो ए प्लस के लिए आपको ए प्लस का एक सॉल्ट लेना पड़ेगा चलो हम सॉल्ट ले लेते हैं ए जी थ्री एक्वस ए जी सॉल्ट एक्वस लेते हैं पानी में लेते हैं जहां से Ag+ प्लस अलग हो जाएगा नो थ्री माइनस अलग हो जाएगा तो यहां से Ag+ प्लस और ये Ag का रॉड है सिल्वर का रॉड है ये। तो इसको बोल सकते हो तुम एलिमेंटल Ag, ये एलिमेंट है और ये आयन है तो कोई भी एलिमेंट अगर अपने आयन्स के कांटेक्ट में है तो ये जो सेटअप है ये सेटअप कहलाता है इलेक्ट्रोड देख लो बच्चों एन एलिमेंट एन एलिमेंट इन कॉन्टेक्ट विथ इट्स आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड एक एलिमेंट अपने आयन के कॉन्टेक्ट में है और इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं ठीक है चलो अब आगे बात करते हैं इसके अगर एक एलिमेंट को उसके आयन के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो क्या होगा तो यहां से दो पॉसिबिलिटी बनता है दो टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं चलो वो जो दो टाइप के रिएक्शंस होंगे उनको हम लोग पहले जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं ठीक है ना तो लिखो व्हेन एन एलिमेंट व्हेन एन एलिमेंट एक एलिमेंट है जिसका नाम है एम क्या नाम है एम जैसे यहां पर एम क्या किसके बराबर है बताओ तो एजी के बराबर है यानी सिल्वर जैसा है जब एक एलिमेंट एम सिल्वर इज इन कॉन्टेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स आयन अच्छा आयन कौन है ए जी प्लस तो हम बोल देते हैं एम के ऊपर कुछ प्लस है एक्स प्लस मान लो जैसे Ag के ऊपर प्लस वन चार्ज है एम एक्स प्लस मतलब हो गया एम वन प्लस जैसे मान लो अगर यहां पर कॉपर ले लिया होते तो उस पर प्लस टू चार्ज रहता है तो यहां लिखते कॉपर सी यू प्लस टू अगर एक एलिमेंट एम अपने आयन के कॉन्टेक्ट में है कॉन्टेक्ट विद इट्स आयन एम एंड एक्स प्लस इन एक्व सोल्यूशन आयन्स कहा होंगे एक्व सोल्यूशन में देर आर देर आर टू पॉसिबिलिटी दो पॉसिबिलिटीज है यहां से देर आर टू पॉसिबिलिटीज वेन एन एलिमेंट एम इज इन कॉन्टेक्ट विथ इट आए एम एक्स प्लस देर आर टू पॉसिबिलिटीज कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हैं तो पहला पॉसिबिलिटीज है कि ये जो मेटल है हो सकता है इसके अंदर टेंडेंसी हो कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके एम प्लस बन के सोल्यूशन में आ जाए हो सकता है जो एम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और लूज करके क्या बन जाए एम एक्स प्लस बन जाए और प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जो एटम्स है ना एजी के सारे एटम्स है वैसे मेटल के सारे जो एटम्स यहां पर हैं कोई दिक्कत अब देखो हम एजी की जगह पर मेटल लिख देते हैं ताकि चीजें जनरल तौर पर पढ़ा जा सके क्योंकि ये चीजें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ सिल्वर के लिए तो वैलिड है नहीं ये तो सब के लिए वैलिड है एम एक्स प्लस ठीक है तो ये हो सकता है एक टेंडेंसी यहां से एक एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके X प्लस बन जाए और X प्लस आगे पानी में चलाए एक्स प्लस पानी में क्यों चलाएगा क्योंकि X का हाइड्रेशन हो जाता है वाटर के अंदर तो दरअसल इसको इस तरीके से लिखना चाहिए एक्वस इलेक्ट्रॉन हाइड्रेशन होने का मतलब कि पानी के मॉलिक्यूल एक्सप्ल को पॉजिटिव चार्ज को चारों तरफ से घेर करके उसको स्टेबल बना देते हैं आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव चार्ज को जब वाटर चारों तरफ से घेरते हैं तो प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है सिस्टम स्टेबल हो जाता है ठीक है तो ये जो एम है वो कन्वर्ट होना चाहेगा प्लस में एक ऐसा पॉसिबिलिटी है इस पॉसिबिलिटी को बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन डी इलेक्ट्रोनेशन पहला पॉसिबिलिटी क्या है डी इलेक्ट्रोनेशन यानी कि एम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और केटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा डी इलेक्ट्रोनिशन अच्छा अगर ये वाला पॉसिबिलिटी चल रहा है मान लो यहां से एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके एक सोल्यूशन में आ जा रहे हैं तो और क्या क्या बातें हो रही होंगी साथ में उसके चलते और क्या क्या घटनाएं घट जाएंगी तो वो है बच्चों ये जो M के हर एक एटम यहां पे तो बहुत सारे एटम्स होंगे ना जैसे कुछ एटम्स को हमने दिखा दिया इधर देखो ये M के बहुत सारे एटम्स हैं ये जब एटम्स इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां जो कैटायन बना वो तो सोल्यूशन के अंदर आ गया कैटायन आ गया सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां गया इलेक्ट्रॉन इसी रॉड पर रह गया कहां रह गया इसी रॉड पर तो हम क्या करते हैं देखो इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं तो नेगेटिव चार्ज इसी रॉड पर आ गया है कोई दिक्कत और पॉजिटिव चार्ज आ गया है के अंदर तो ये जो रॉड है ये रॉड का पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगा लिख लो नीचे में अगर डी इलेक्ट्रोनिशन वाला घटना होगा तो ये वाला रिएक्शन चल रहा होगा रॉड मेटल रॉड मेटल रॉड एक्वायर्स मेटल रॉड एक्वायर्स क्या एक्वायर करता है मेटल रॉड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस मेटल रॉड के ऊपर मेटल रॉड एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज इस रॉड का नाम या इस इलेक्ट्रोड का इस पूरे सेटअप का नाम हो जाता है द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड क्या कहलाता है ये इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड क्या कहलाता है ये एनोड कहलाता है द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड ठीक है और कुछ बातें रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रोड का नाम एनोड हो गया केटाइन जो है सोल्यूशन में आ गया और क्या क्या बातें होंगी एक बार सोच के देखो इसको हम मिटाते हैं फिर लिखेंगे बच्चों जल्दी सोचो कि और क्या क्या घटनाएं घट रही होंगी या इन घटनाओं को क्या क्या नाम दिया जा सकता है देखो तो एक बात तो हम बता सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ऑक्सीडेशन हुआ है क्यों क्योंकि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है एम एम एक्स प्लस में कन्वर्ट हो गया है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कोई दिक्कत इस प्रोसेस में जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं इस प्रोसेस का एन फैक्टर और एक्स फैक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्स फैक्टर एक्स एफ और एन फैक्टर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन या फिर प्रोसेस इस रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो क्या कहलाता है वो एक्स फैक्टर कहलाता है या फिर एन फैक्टर कहलाता है इसका क्या यूज है आगे चल करके देखेंगे अभी बस हम लोग नाम सीख रहे हैं जैसे अगर इस रिएक्शन में पांच इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाता तो बोलते इस रिएक्शन का एक्स फैक्टर फाइप है अगर इस रिएक्शन में यहां पर दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाता तो बोलते इस रिएक्शन का एक्सपेक्टर दो है ठीक है एक और बात लिखो अभी हम लोग डी के बारे में ही बात कर रहे हैं सारा नेक्स्ट लिखोगे देखो ये जो चार्ज आ गया है नेगेटिव इस रॉड के ऊपर उस चार्ज के चलते एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा क्लियर है ना चार्ज के चलते क्या जनरेट होगा एक पोटेंशियल उस पोटेंशियल का नाम The developed potential developed potential is called electrode potential electrode potential or specifically specifically द डेवलप्ड पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ठीक है ओपी। ये जो चार्ज डेवलप हो गया रॉड पर नेगेटिव चार्ज इसके चलते एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है और उस पोटेंशियल का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और या फिर उसका नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस पोटेंशियल के वैल्यू को देख करके हम क्या क्या अंदाजा लगा पाएंगे इसका चर्चा फ्यूचर में करेंगे अभी हम लोग नाम बोल रहे हैं कि यहां पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसका नाम क्या होगा उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कोई दिक्कत और लिखो इसके आगे ये लिख लो बच्चों इसको मिटा देंगे तब आगे की बात लिखेंगे हम नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन देखो ये जो सेटअप बना है ना इलेक्ट्रोड ये तो डबे टपका ना एक डब्बा होगा उसके अंदर तुम पानी लोगे कुछ मिलाओगे उसमें वगैरह फिर एक रॉड डालोगे उसमें ये जो पूरा सेटअप है इसको रिप्रेजेंट करने का कॉपी पर दिखाने का दो तरीका है एक तो ऐसे डब्बा बनाओ पूरा दूसरा एक नया तरीका है लैंग्वेज में लिख सकते हो तुम सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हो कैसे तो ये जो इलेक्ट्रोड बना है इस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है कैसा रिप्रेजेंटेशन है तो इस इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है देखो रिएक्शन हो रहा है एम सॉलिड है कोई दिक्कत ये मेटल क्या है सॉलिड है मेटल सॉलिड किसके कॉन्टेक्ट में है ये कॉन्टेक्ट में है एम एक्स प्लस एक्वस ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ये वाले इलेक्ट्रोड का मेटल सॉलिड एक्स प्लस एम एक्स प्लस एक्वस के कांटेक्ट में अब इस रिप्रेजेंटेशन में दो बातें हैं क्या क्या खास बातें हैं तो खास बात यह है इस रिप्रेजेंटेशन में कि ये जो डंडा लगाते हैं ना इसका एक स्पेशल काम है ये डंडा का काम है ये बताता है कि ये और ये दोनों चीज अलग अलग फेज में था ये सॉलिड चीज था और ये क्या था एक्वस सॉल्यूशन था इस डंडे को बोलते हैं फेज सेपरेटर फेज सेपरेटर कोई दिक्कत फेज सेपरेटर बोलते हैं एम सॉलिड था और एम सॉलिड एक्स प्लस में कन्वर्ट हो रहा था तो एक डंडे से दोनों को सेपरेट कर दिए इलेक्ट्रॉन वगैरह दिखाने का जरूरत नहीं है हाँ एक काम और कर सकते हो इस रिप्रेजेंटेशन में अगर एम एक्स प्लस इस आयन का तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन पता है तो वो कॉमा दे करके कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो C1 मोलर C1 क्या है कॉन्सेंट्रेशन है एम क्या है मोलर यूनिट उसका कॉन्सेंट्रेशन जनरली हम लोग मोलरिटी में लिखते हैं लेकिन ये अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ठीक है ना इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों C1 मोलर को डॉटेड लिखते हैं ताकि बच्चे को क्लियर पता रहे भाई ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है दिक्कत ये हो गया सीवन और देखो कंफ्यूजन ना हो जाए ये क्या था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से बना दे रहे हैं ये हो गया सीवन और बगल में क्या लिखोगे मोलर सीवन मोलर ठीक है बच्चों सीवन मोलर क्यों क्यों डॉटेड बनाए ताकि ये नहीं भी लिख सकते हो कई बार एग्जाम में नहीं भी सॉरी बुक वगैरह में नहीं भी लिखा रहता है इतना रिप्रेजेंट भी कर सकते हो यह रिप्रेजेंटेशन है यह पूरे सेटअप का कोई दिक्कत इस रिप्रेजेंटेशन में एक और बात ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में तुम्हें लिखना है जो रिएक्टेंट था और राइट साइड में लिखना है जो प्रोडक्ट था यहां पर क्या रिएक्शन हो रहा था तो यह रिएक्शन हो रहा था यह रिएक्टेंट था और यह प्रोडक्ट था तो रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट इधर इस तरीके से रिप्रेजेंट जो यहां पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है कोई दिक्कत उस पोटेंशियल को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है उस पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई e, e मतलब ई e का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेकिन इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों है यह सब बाद में बात करेंगे ई e का मतलब हमारे लिए क्या है हमारे लिए ई e का मतलब पोटेंशियल क्या मतलब है हमारे लिए पोटेंशियल पर इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेकिन वो अभी तुम्हें हम लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं वो बताएंगे उसका मतलब अलग से क्लियरली ई e का मतलब है पोटेंशियल तो पोटेंशियल ई e और उसके नीचे में तुम्हें यही चीज को फिर से लिख देना है एम सॉलिड से एम एक्स प्लस एक्वस लेकिन यहां जब तुम लिखोगे तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लिखने का जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोड दिखाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन दिखाना पड़ता है इलेक्ट्रोड नहीं दिखाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है ये पोटेंशियल दिखाना है तो इतना से दिखा सकते हो और इस पोटेंशियल का कुछ वैल्यू होगा मान लो दस वोल्ट हो सकता है पांच वोल्ट हो सकता है माइनस दस वोल्ट हो सकता है माइनस पांच वोल्ट हो सकता है कुछ भी वैल्यू हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव जीरो है कि नहीं ऐसा कुछ भी हो सकता है तो ये रिप्रेजेंटेशन है पोटेंशियल का और इसको बोलते हैं इसका नाम बोलते हैं ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बोलते हैं इसको ओपी क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है अगर यही रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पर चले मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में हो लिख लो एट स्टैंडर्ड स्टेट देखो स्टैंडर्ड स्टेट और एसटीपी इसमें अंतर है थोड़ा सा बच्चों जो गैसियस स्टेट में आपने या मोल कॉन्सेप्ट में स्टेपी पढ़ा होगा वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है और ये स्टैंडर्ड स्टेट है इसमें अंतर है थोड़ा सा अंतर है देखो देखने में सेम लगता है स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि जहां पर भी जितने कॉन्सेंट्रेशन होंगे जितने भी कॉन्सेंट्रेशन हैं, सब वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें लेना है अगर मान लो यही डब्बा में तुम वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लोगे तो कहलाएगा कि अभी स्टैंडर्ड स्टेट में सब कुछ चल रहा है कॉन्सेंट्रेशन जितना भी है वन मोलर लेना है पार्शियल प्रेशर या प्रेशर जहां पर भी है वो कितना लेना है वो वन बार लेना है कोर्स बच्चों वन बार और ऑलमोस्ट वन एटीएम के बराबर होता है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वन बार लेना है जहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन लेना है सेटअप करते समय डब्बा बनाते समय वहां पर कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम वन मोलर ले लिए और प्रेशर वन बार ले लिए तो तुम बोलोगे ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन पर चल रहा है हाँ एक और कंडीशन इसमें लगाना पड़ता है टेम्परेचर का इसको मिटा दे बच्चों चलो मिटा दे रहे हैं इसको कि स्टैंडर्ड स्टेट में जो टेम्परेचर है वो एसटीपी का टेम्परेचर जैसा नहीं होता है एस का टेम्परेचर होता है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड एस नहीं बोल रहे हैं बच्चों ध्यान देना स्टैंडर्ड स्टेट बोल रहे हैं तो वहां पर अगर टेम्परेचर आता है तो टेम्परेचर कितना लिखना है तुम्हें टेम्परेचर लिखना रखना है तुम्हें ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड या फिर टू नाइन्टी एट केलविन जिसको तुम कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो थ्री हंड्रेड केलविन मान लेंगे ये है स्टैंडर्ड स्टेट लेकिन अगर पूछा जाए कि स्टैंडर्ड स्टेट पर टेम्परेचर कितना होता है तब 300 नहीं बताओगे तब 298 केल्विन ही बताओगे कोई दिक्कत अगर स्टैंडर्ड स्टेट पे सब सारा रिएक्शन चल रहा है तब जो पोटेंशियल होगा तब उस पोटेंशियल को बोलेंगे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से ई एम सॉलिड एम सॉलिड से क्या बन रहा था एम एक्स प्लस बन रहा था कोई दिक्कत ये फेज सेपरेटर है यह सॉलिड है और ये एक्वस सोल्यूशन है देखो बुक वाले कभी कभी ये सॉलिड नहीं लिखते एम सॉलिड की जगह पर सिर्फ एम लिख देगा एम एक्स प्लस एक्स की जगह पर सिर्फ एम एक्स प्लस लिख देगा तो उनकी गलतियों को माफ कर देना है हमें गलती खुद से नहीं करना है अपनी ओर से ठीक है लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन पर सब कुछ चल रहा हो तो ऊपर में एक जीरो लगा देते हैं नॉट e बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं नॉट और इसको पढ़ते क्या है पढ़ते हैं एसओपी एसओपी का मतलब क्या है ओपी का मतलब ओम प्रकाश अरे सॉरी ओम प्रकाश नहीं ओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एसओपी का मतलब ओपी मतलब ओम प्रकाश एसओपी मतलब श्री ओम प्रकाश एसओपी मतलब है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ठीक है बच्चों यहां पर जितना भी पोटेंशियल जितना भी वोल्टेज डेवलप होगा थ्री वोल्ट फोर वोल्ट फाइव वोल्ट उस वोल्टेज को रिप्रेजेंट उसका नाम क्या देंगे उस वोल्टेज का नाम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन पर चल रहा है ठीक है जल्दी से क्विकली एक सेकेंड में तुम लोग वीडियो को पॉज करके जितना बताए हैं पहला पॉसिबिलिटीज में वो सबको रिवाइज करो क्योंकि दूसरा पॉसिबिलिटीज तुम्हें बताना है सब तुमसे पूछेंगे हम ठीक है चलो बात करते हैं अब पॉसिबिलिटी टू तो पॉसिबिलिटी टू में क्या होना है फिर से क्या करोगे पहले नंबर टू लेके डायग्राम बनाओगे नंबर टू लिख करके ये वाला डायग्राम बनाओगे और लिखोगे इस बार इलेक्ट्रोनेशन अगर हो जाए तो इलेक्ट्रोनेशन अगर हो जाए इलेक्ट्रोनेशन का मतलब पहले वाले केस में क्या था ऐसा तुम्हारे पास सिचुएशन था ये एक मेटल रॉड था एम और यहां पर एम एक्स प्लस एक्वस था एक्वस सोल्यूशन था एम एक्स प्लस एक्व कोई दिक्कत और मेटल रॉड पे यहां पे जो एटम था वो इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ करके यहां सोल्यूशन में आ जाता था इलेक्ट्रॉन रॉड पे रह जाता था और रॉड पर आ जाता था नेगेटिव चार्ज लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई मेटल जो है वो चाहता ही नहीं इलेक्ट्रॉन लूज करना भाई वो वाला केस तो तब होगा जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा होगा लूज करके चाहता होगा कि भाई हम इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे ऑक्टेट वगैरह पूरा हो जाएगा या स्टेबल बन जाएंगे मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है जनरली लेकिन कभी कभी मान लो कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता है जैसे कॉपर मेटल हो गया या तुम्हारा सिल्वर uh, भी हो गया तुम्हारा या फिर प्लेटिनम गोल्ड इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता ही नहीं है तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेटल खुद इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता नहीं है यानी कि मेटल कैटायन के फॉर्म में स्टेबल नहीं है लेकिन अगर तुमने कैटायन बना करके पहले से ही सोल्यूशन में रखा हुआ है तो वो कैटायन चाहेगा कि भैया इसको तो तुम जबरदस्ती बनाए हो क्यों जरुस्ती बनाए हो क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता था नहीं तो ये क्या चाहेगा ये चाहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन खींच ले कहीं से कहां से खींचेगा तो इसको पता है कि मेटल के जो रॉड होते हैं ना जैसे मान लो ये अगर मेटल के रॉड हैं, तो मेटल के सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं सुना है आपने ये बात इसी के चलते तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्शन करता है तो मेटल के सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अब फ्री इलेक्ट्रॉन ये आते कहां से क्या ये बाहर कहीं से आया है इस मेटल के सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन हालांकि ये मेटल नहीं है मेटल रॉड मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता लेकिन मान लो नहीं मिला जब तक यही तुम्हारे लिए मेटल है अगर ये मेटल है तो इसके सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आया तो वो कहीं बाहर से नहीं आया है सरफेस के अंदर जो एटम्स हैं वही एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए हैं फ्रीली ऐसा नहीं कि इनके में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये बात से कंफ्यूजन मत करना कि फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कोई अपने बाल बच्चों को फ्री छोड़ देता है भाई तुमको घूमना फिरना है घूमो फिरो क्या वो एक्स्ट्रा बाल बच्चा है नहीं तो एक्स्ट्रा और फ्रीली एवेलेबल में अंतर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अंदर में जो मेटल्स हैं उन्हीं के हैं यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है ओवरऑल ये रॉड जो है न्यूट्रल है पहले लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं तो इन मेटल को लग रहा है अच्छा बाहर में इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल क्या करता है ये जा करके चिपक जाता है इस रॉड से और जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या हो रहा है इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस चल रहा है जो एम एक्स प्लस है जो एक्वस सल्यूशन के अंदर है अब यह मिटा दे रहे हैं बच्चों उम्मीद करते हुए कि तुम लोग लिख लिए हो गए प्लस एक्वस जो है ये एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाकर के खोजता है सरफेस पर उसको चिपका लेता है अपने में और ये बन जाता है एम सॉलिड ये जाकर के सॉलिड पर चिपक जाता है अब तुम चाहो तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल में कई बार इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिख देते हैं नहीं भी लिखो चलेगा बस ध्यान रखो एम एक्स प्लस एक्वास के लिए x इलेक्ट्रॉन चाहिए और तब बन जाएगा वो जाके सॉलिड सरफेस पर चिपक जाएगा इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेशन तो होगा क्या देखो अब ये जो मेटल था ओवरऑल ये न्यूट्रल था पहले इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वगैरह था नहीं जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन थे वो इनके खुद के ही इलेक्ट्रॉन थे लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो जा जाके रॉड पे चिपकता जा रहा है तो ओवरऑल रॉड जो है थोड़ी देर के बाद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा देखो अब तुम्हें एक एक करके वही सब बातें रिपीट करना है जो पिछले क्वेश्चन पिछले एग्जाम्पल में किए थे रॉड एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है एंड इज कॉल्ड एंड इज कॉल्ड केथोड क्या नाम है इस रॉड का केथोड नाम है केथोड़ इसलिए पड़ा पड़ा नाम है इसका क्योंकि केटायन इसकी तरफ आता है शुरुआत में इसीलिए केथोड केटायन इसकी तरफ आया तो केथोड हो गया नाम लेकिन ठीक है क्यों नाम पड़ा उसे भूल जाओ बस याद रखो इसको क्या बोलते हैं केथोड़ बोलते हैं ठीक है यहां पर कौन सा रिएक्शन चल रहा है रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस कौन सा रिएक्शन चल रहा है रिडक्शन रिएक्शन चल रहा है यहां पर देखो रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस और बताओ अगला पॉइंट क्या लिखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्स फैक्टर और एन फैक्टर ऑफ द प्रोसेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्स फैक्टर और एन फैक्टर ऑफ द प्रोसेस इस प्रोसेस में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं उनको बोलते हैं एक्स फैक्टर या फिर एन फैक्टर कोई दिक्कत उसके बाद लिखोगे पॉजिटिव पोटेंशियल अच्छा सॉरी पॉजिटिव मत लिखो पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ यहां पर एक देखो चार्ज डेवलप हुआ है ना तो चार्ज अगर डेवलप हुआ इस रॉड पर तो रॉड के अराउंड एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल क्या लिखोगे पोटेंशियल डेवलप्ड जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है इज कॉल्ड पोटेंशियल जो इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली इसको जनरली बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पीओटी मतलब पॉट मतलब बर्तन नहीं पीओटी POT मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पीओटी मतलब पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली मतलब उसका स्पेसिफिक क्या नाम है स्पेसिफिकली रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कोई दिक्कत बच्चों चलो एक और बात लिखा जाए इसका स्पेसिफिक इस नाम हो गया रिडक्शन पोटेंशियल अब बताओ रिप्रेजेंट कैसे करोगे ये तुम लोगों को सोचना है बच्चों हम मिटा दें इसको एक बार थोड़ी देर में नोट डाउन कर लो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके रिप्रेजेंट कैसे करोगे ये क्वेश्चन है तुम लोगों से बच्चों रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे रिप्रेजेंट तो बहुत सिंपल तरीका है पहले कैसे किए थे तो पहले कौन सा रिएक्शन था देखो इससे पहले रिएक्शन होता था मेटल सॉलिड से बनता था मेटल एक्स प्लस एक्वस और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था अभी इससे ये बन रहा है तो जो रिएक्टेंट उसको पहले लिखो लिख दो सॉरी पहले इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहे इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहे तो रिएक्टेंट है एम एक्स प्लस एक्वस और उससे क्या बन रहा है उससे बन रहा है एम सॉलिड तो देखो एरो नहीं दिखाते हैं ऐसा एक फेज सेपरेटर दिखाते हैं और एम सॉलिड इसका सिग्निफिकेंस क्या है यह है फेज सेपरेटर और इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसका सिग्निफिकेंस है ये बताता है कि इसके इस साइड और इस साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग फेज में है एक एक को सोल्यूशन में है और एक सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन वगैरह यहां पर नहीं दिखाते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रोड का कौन सा इलेक्ट्रोड ये वाला इलेक्ट्रोड जिसका नाम है कैथोड और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे तो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का बहुत आसान तरीका आप सब जानते हैं क्या बताओ ई दिखाना है और यही चीज लिख देना है दोबारा से एम एक्स प्लस एक्व और एम सॉलिड कोई दिक्कत इस पोटेंशियल को दिखाने का तरीका है इस रॉड पर जो भी पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा ऐसा लिख करके लिख दोगे जैसे मान लो दस वोल्ट डेवलप हुआ इस रॉड पर तो ऐसा लिख दोगे और इसका बगल में लिख दोगे दस वोल्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है क्या फायदा है उससे अगर तुम्हें कहीं पर ऐसा लिख करके दस वोल्ट लिखा हुआ दिख गया मान लो अभी लिखना मत तुम लोग इतना लैंग्वेज लिख करके दस वोल्ट लिखा हुआ दिख गया ये डब्बा उब्बा बनाने का जरूरी नहीं है तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट बच्चे तुरंत इस बात को समझ जाएंगे अच्छा एक मेटल का रॉड लिए होंगे उसको पानी में डाले होंगे उस पानी के अंदर मेटल का आयन होगा केट सोल्यूशन में और मेटल कैटायन रॉड पे जाके चिपक रहा होगा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा और रॉड पे चिपकने के चलते रॉड पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता होगा और उस पॉजिटिव चार्ज के चलते डेवलप्ड पोटेंशियल दस है, है रिप्रेजेंटेशन का महत्व बस रिप्रेजेंट कर देने से इतना सब कहानी अपने आप तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट बच्चों को समझ में आ जाएगा हमको समझ में भले ही ना आए कोई दिक्कत तो ये है बच्चों पोटेंशियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया खैर अभी वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं। इस पोटेंशियल का नाम क्या होगा इसका नाम होगा आरपी ओपी मतलब था ओम प्रकाश आरपी मतलब राम प्रकाश तो देखो आरपी आरपी का मतलब बताओ जल्दी से रिडक्शन पोटेंशियल क्या मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे इसका नाम और अगर यही रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट एट स्टैंडर्ड एसटीडी स्टेट स्टैंडर्ड एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट पर जब हम लोग पहुंच गए हैं मतलब कि सभी कॉन्सेंट्रेशन अगर वन मोलर है प्रेशर अगर कहीं पर आता है कहां पे आएगा प्रेशर इसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों घबराना मत अगर कहीं पर आया मान लो जीवन में कभी भी तो उसको वन बार प्रेशर रखना है ठीक है टेम्परेचर टू नाइनटी एट किलोमीटर रखना है तब इसी पोटेंशियल का नाम हो जाएगा या इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाएगा यह हो जाएगा ई नॉट एम एक्स प्लस एक्वस एम सॉलिड कभी भी यह मत घबराना कि इतना बड़ा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अरे तुम इतना बड़ा रिप्रेजेंट करने से तुम इतने बड़े चीजों को बिना डायग्राम बनाए किसी तक खबर पहुंचा दिया किसी को रिपोर्ट कर दिया किसी को बता दिया ठीक है और इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा एस ओ सॉरी एस आर पी क्या नाम होगा इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एस आर पी तो बच्चों ये दो केसेस होते हैं अगर आप किसी एलिमेंट को या किसी मेटल को उसके आयन के कॉन्टेक्ट में रख देते हो तो अब हमें बात करना है कि कब कौन सा केस होगा यह जानना है तो यह जानने से पहले कि कब कौन सा केस होगा कैसे डिसाइड करेंगे उससे पहले कुछ हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या होता है कौन सा मेटल लोगे तो कौन सा केस हो जाता है क्यों होता है उसके एक्सप्लेनेशन पर बाद में जाएंगे पहले देख लेते हैं होता क्या है तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो हम मिटा रहे हैं। तो देखो बच्चों ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर तुम जिंक का रॉड ले लो किसका रॉड ले लो जिंक का जेडन का रॉड ले लो जिंक का रॉड ले लो और एक्वस सोल्यूशन में डाल दो जिस एक्वस सोल्यूशन में जेड एन प्लस टू है जेड एन प्लस टू ये एक्वस सोल्यूशन है एक्वस अब जेड एन प्लस टू पानी में कैसे लाओगे ये तुम्हारी परेशानी है मेरी नहीं बता देते हैं जेड एन फोर लेकर के पानी में डाल दोगे तो पहला वाला केस ऑब्जर्व किया गया है क्या ऑब्जर्व किया गया है इलेक्ट्रोनेशन सॉरी डी इलेक्ट्रोनेशन क्या ऑब्जर्व किया गया है डी इलेक्ट्रोनेशन डी मतलब ऑब्जर्व किया गया है कि जेड एन जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें वो कन्वर्ट हो जा रहा है जेड एन प्लस टू एक्वस और दो इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कहाँ आता है इस रॉड पर जाकर के जमा हो जाता है ऐसा होने लगता है अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या अगर जिंक ऐसा टेंडेंसी रखता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके जेड एन प्लस टू बन के वो खुद सोल्यूशन में चला जाए और इलेक्ट्रॉन को रॉड पर छोड़ दे तो ये कब तक चलेगा क्या ये इंफाइनेट टाइम तक चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए जब तक यहां का सारा का सारा जिंक खत्म नहीं हो जाता है नहीं बच्चों ऐसा हमेशा के लिए नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि देखो रॉड पर जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे अगला जो एटम होगा जो एटम बोलेगा कि भैया हम अपना इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ करके निकल रहे हैं सोल्यूशन की तरफ उस पर प्रेशर बन जाएगा उस पर दबाव बनेगा सब लोग मिलकर प्रेशर लगाएंगे कि देखो इस रॉड पर ऑलरेडी बहुत नेगेटिव चार्ज है अब तुम अपना एक और नेगेटिव चार्ज मत छोड़ो तो धीरे धीरे क्या होगा ये सिचुएशन इक्लिब्रियम में पहुंच जाएगा ठीक है ना उस इक्लिब्रियम के टाइम पर यहां पर कुछ पोटेंशियल डेवलप हो चुका होगा कोई दिक्कत जिस पोटेंशियल को बोलेंगे हम लोग पी e क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है कोई दिक्कत और दिखाओगे कैसे ई e ओपी को दिखाओगे ई जेडन सॉलिड से जेड एन प्लस टू एक्वस अभी देखो अभी यहां पर हम बात नहीं कर रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन वगैरह कितना है स्टैंडर्ड स्टेट है या नहीं है इसीलिए हमने कुछ सिंबल नोट वगैरह नहीं लगाया लेकिन अगर ऐसा देखा गया बच्चों की जिंक मत लो भाई कॉपर ले लो तुम तो, तब कहानी उलट जाता है अगर तुम यहां पर कॉपर ले लिए और इधर कॉपर प्लस टू का एक्वस सोल्यूशन ले लिए कैसे लोगे कॉपर सल्फेट ले लो सीएसओ फोर पानी में डाल दो उसको। तो अगर कॉपर को उसके आयन के कॉन्टेक्ट में रख दिए तो उल्टा कहानी होता है यहां पर इलेक्ट्रोनेशन होने लगता है इलेक्ट्रोनेशन क्यों होता है सब बाद में बात करेंगे बच्चों ठीक है ना होने क्या लगता है इलेक्ट्रोनेशन इलेक्ट्रोनेशन मतलब कॉपर प्लस टू जो है एक्वस सल्यूशन में वो रॉड के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन था उस दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो जाके कॉपर सॉलिड बन के रॉड पे चिपक जाता है और धीरे धीरे कई सारे पॉजिटिव चार्ज आके रॉड पे चिपक जाते हैं तो रॉड पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है अब तुम बताओ कि क्या ये कहानी तब तक चलता रहेगा जब तक इस सोल्यूशन का एक एक कॉपर प्लस टू जाके रॉड पे न चिपक जाए नहीं होगा क्या जैसे जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा अगले कॉपर प्लस टू जो आने वाला है उस पर प्रेशर बनेगा भैया इधर मत आना हमारे पास पहले से ही बहुत पॉजिटिव चार्ज है तुम अपना एक और दुखड़ा मत सुनाना हमें तुम अपना एक और पॉजिटिव चार्ज लेके मत आना जो परेशानी इधर हुआ था तो क्या होगा थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा और इक्विलिब्रियम जब अटेन कर रहा होगा तो यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज जमा होगा इस रॉड पर कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा ठीक है बच्चों तो कॉपर लोगे तो यह वाला प्रोसेस होगा और जिंक जिंको ये वाला प्रोसेस होगा इसका जब पोटेंशियल होगा इसको तुम बोलोगे ई आर पी रिडक्शन हो रहा है यहां पर ई आर पी रिप्रेजेंट कैसे करोगे लिखोगे ई e, कॉपर प्लस एक्वस से कॉपर सॉलिड ये सब तुमने लिख लिया अब आगे की बात बता रहे हैं। ये दोनों रॉड एक साथ ले लो और चुपके से तुम यहां से एक वायर जिससे बल्ब कनेक्ट कर दो तुम ये देखो तो ये बल्ब है बहुत सस्ता टाइप का बल्ब है ये बल्ब कनेक्ट कर दो इससे लगा दो यहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है यहां पर पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इस वायर में मूव करना स्टार्ट कर देगा और जिस वायर में इलेक्ट्रॉन चलता है बोलते हैं उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है और उस वायर से तुम बल्ब को कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा ये बल्ब ग्लो करेगा बल्ब जलना स्टार्ट कर देगा और तुम बोलोगे कि हमने एक बैटरी बना दिया है ये जो बैटरी बना है बच्चों इस बैटरी का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या नाम है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेल मतलब सीएलएल -E सेल मतलब बैटरी इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी ठीक है बच्चों तो आज हमने आपको एक बैटरी बनाना सिखाया घर में सस्ता घरेलू उपाय है आप बना सकते हो ये बैटरी इसके आगे की कहानी ये बैटरी कितना वोल्टेज जनरेट करेगा कितनी देर तक इस बैटरी में करंट चलेगा और ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको बने रहना पड़ेगा अगले क्लास में हम लोग इस पर बात करेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच